नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग, टॉपिक है हेल्थ इज वेल्थ। दोस्तों हेल्थ से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं। जब पैसा नहीं था तब लोगों का फुल कंसंट्रेशन हेल्थ पे ही था, हेल्थ से बढ़कर कुछ था ही नहीं। लेकिन जब पैसा आने लगा लोग हेल्थ की तरफ कम ध्यान देने लगे और बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, फोन्स आ गए, टीवी आ गया, क्या क्या नहीं आया। हेल्थ ख़राब होने लगी, आखा दिन फ़ोन पे 2-4 घंटे डालेंगे तो फिर हेल्थ ख़राब हो रही है। पहले बच्चे कितने खेलते कूदते थे, हमारा बचपन में तो हमने इतना एंजॉय किया है, आज की जनरेशन नहीं कर पाती। बस खेलने के लिए एक फ़ोन दे दो बस काफ़ी है। लेकिन हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हेल्थ को कैसे अच्छा रखा जाए, सिंपल है दोस्तों। सुबह रोज़ 1 घंटा अपने लिए निकालो, वॉक पे जाओ, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके आओ। सुबह 10 बजे तक की धूप बहुत अच्छी होती है, तो धूप लो कम से कम आधा घंटा एक जगह पर बैठ जाओ, धूप लो, थोड़ा पसीना आ जाए तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। उसके बाद जो भी आप चाय नाश्ता करते हो वो करो, लेकिन चाय एक ही बार पियो। सुबह पीते हो तो शाम को मत पियो, शाम को पीते हो तो सुबह मत पियो। जितना दूध शक्कर बॉडी में कम जाएगा उतना फैट से बचोगे, कॉन्स्टिपेशन से बचोगे। तो दूध शक्कर मैदा ये सब छोड़ दो, या तो फिर कम करो। छोड़ नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन कम तो कर सकते हो। जो भी बेकरी प्रोडक्ट्स है, चाय के साथ बिस्किट, खारी, टोस्ट, बटर, ये सब बंद कर दो। गरम नाश्ता खाओ, पोहा, उपमा, इडली, गरम नाश्ता खाओ। जितना भी आप फरसान ये सब खाओगे सुबह सुबह तो आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, वो सब अवॉइड कर दो। फिर जब लंच का टाइम आए तो थोड़ा सलाद ले लो पहले, उसके बाद जो भी है रोजी भाजी रोटी है, दाल चावल है वो भी लो, लेकिन पहले सलाद लो। अगर आप सलाद लोगे तो आधा पेट आपका सलाद से भर जाएगा, फिर ये कम खाओगे भाजी रोटी दाल चावल वही अच्छा है, तो खाना जल्दी पच जाएगा। फिर शाम को आप कुछ भी ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं। डिनर 8 बजे के पहले कर लो, अगर 8 बजे पहले पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट 9 बजे तक तो कर ही दो। फिर तुरंत मत सो जाना, थोड़ा वॉक पे निकलो या वज्रासन में बैठो, थोड़ा तो करो। और रात को सोने के पहले आप अजवाइन लेना मत भूलना, अजवाइन को गुड़ के साथ मिक्स करके उसको आप खा सकते हैं, सुबह आपका पेट एकदम साफ, बहुत सारी बीमारी पेट की चली जाएगी अगर अजवाइन और गुड़ रोज़ रात को लोगे तो। अजवाइन को थोड़ा सेक लो और गुड़ के साथ मिक्स करके गोल गोल बनाओ लड्डू जैसा और खा लो, तो बहुत बेटर रहता है। हो सके उतनी दवाइयाँ कम करो, क्योंकि दवाई तो केमिकल से बनती है और वो आपके लीवर में फैट जमा कर देती है, तो लीवर ख़राब करना हो तो ज़्यादा दवाई खाओ, दवाई से कुछ होता नहीं है दोस्तों। हाँ इमरजेंसी है तो ज़रूर जाओ डॉक्टर के पास, जैसे डेंगू है, बुखार है तो ज़रूर जाओ। बाकी जो रोज़ दवाई हमको खाने के लिए बोलते हैं इससे कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, नुकसान ज़रूर होगा। तो ये सिंपल ट्रिक्स है दोस्तों, जितना दवाइयों से दूर रहोगे, जितना नेचुरल फ्रूट खाओगे, नेचुरल सब्जी खाओगे उतना अच्छा है। नेचुरल जो भाजी होती है, ग्रीन वेजिटेबल ज़रूर खाओ, क्योंकि वो किडनी आसानी से लीवर आसानी से पचा देगा। लीवर में प्रॉब्लम नहीं तो समझो
किसी भी प्रॉब्लम नहीं। अगर लीवर में प्रॉब्लम आ गया तो हर एक ऑर्गन खराब होगा, हर एक बीमारी शुरू हो जाएगी। और हाँ, रात को गर्म पानी पीना मत भूलो। तो जिंदगी में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।